साहस सरोकार। सुल्तानपुर में मां भगवती जागरण का हुआ शुभारंभ, कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनी। संभल में वार्षिक पुस्तक स्पर्शी कार्यक्रम का आयोजन, दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शशि थरूर पहुंचे लखनऊ, करीब 1250 पीसीसी मेंबर से की मुलाकात। प्रयागराज में यमुना स्नान के दौरान प्रशासन ने नहीं की व्यवस्थाएं, कीचड़ में श्रद्धालु नहाने को हुए मजबूर। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड का बैठक आयोजन, खतरनाक प्रजाति के कुत्ते पर लगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर ने लखनऊ पहुंचे, जहां पर 1250 पीसीसी मेंबर से मुलाकात कर समर्थन की मांग की। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद का चुनाव कल होना है, वहीं इस पद पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर हैं। इस मतदान की मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। उन्होंने कहा कि पहले कार्यक्रम को स्थगित किया गया था, क्योंकि जब मैं अब यहां आया हूं, उस दिन मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, आज लखनऊ में शशि थरूर पहुंचे हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव होना है कल। जी नंदनी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 22 सालों बाद हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कल 9 बजे से मतदान इसका प्रारंभ होगा। साथ ही आपको बताएं कि 22 सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो दो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मैदान में है। बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपना समर्थन मांगने लखनऊ आ चुके हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पे आज शशि थरूर अपना समर्थन मांगने आए थे, जहां उन्होंने 1250 जो कांग्रेस के डेलीगेट्स जो पीसीसी के मेंबर हैं उनसे अपना समर्थन मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यहां जीत केवल कांग्रेस की होगी, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार की कल जीत होगी और एक बेहद महज ये पार्टी के भीतर का चुनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगर चुनाव में इस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसमें जीतते हैं तो तमाम बदलाव करेंगे और कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। जी नंदनी, देखा जाए विभांशु तो इस बार गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, क्या लगता है कांग्रेस की दिशा निर्देश कुछ बदलेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये दोनों उम्मीदवार अपने मैनिफेस्टो को पीसीसी मेंबर्स के सामने रखे हैं। अब पीसीसी मेंबर को तय करना होगा कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वो जिनका चयन होगा और किसको चुना जाता है। अब ये सभी प्रक्रिया जो तमाम कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा दल के कार्यकर्ता होते हैं उनकी मौजूदगी में होता है, लेकिन खास बात यह है कि 22 सालों के बाद कोई गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में है और कल चुनाव होगी। कल दोनों उम्मीदवारों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद का चुना जाएगा। वहीं नंदनी, अगर बात की जाए तो दोनों उम्मीदवारों के लिए कहीं ना कहीं अहम चुनौती होगी, क्योंकि 22 सालों बाद एक बदलाव हो रहा है गांधी परिवार से। और देखें तो दोनों आज जब शशि थरूर लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोनों उम्मीदवारों के बीच लड़ाई नहीं है, दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं और जिसे पीसीसी मेंबर अपना समर्थन देंगे, जिन पर विश्वास जताएंगे, वो अध्यक्ष पद के लिए काम करेगा और कांग्रेस को जो शीर्ष है जो एक समय हुआ करता था वो फिर से कायम करने के लिए लगातार हमारे दोनों अध्यक्षों में से जिसको डेलीगेट चुनेंगे पीसीसी के वो उस पर काम करेगा। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक आज से प्रयागराज में आरंभ हो गई है। बैठक का शुभारंभ डॉक्टर मोहन जी भागवत ने भारत माता की चित्र पर पुष्पांजलि से की। आपको बता दें कि ये बैठक 19 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के संघ चालक प्रचारक उपस्थित रहे। बैठक में लगभग 377 कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बैठक में संघ शताब्दी की दृष्टि से कार्य विस्तार के लिए बनी योजनाओं की समीक्षा भी की। इस बैठक में देश भर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, संघ दृष्टि से सभी 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के माननीय संघ चालक, कार्यवाह और प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, लगभग ऐसे 370 कार्यकर्ता इस बैठक में। सेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और जो 3 दिवसीय है। ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की। यहीं पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक है। कहा जा रहा है कि विजयदशमी के बाद संघ प्रमुख ने जिन मुद्दों पे बातचीत की थी उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव की जो रणनीति है वो भी यहीं से तय होगी। ये प्रयागराज का यमुना पार क्षेत्र है जिसको वात्सल परिवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो संघ की बैठक है और कहा जा रहा है कि 45 प्रांतों से करीब 400 संघ के पदाधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर उन्नाव से है जहां गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बांगरमऊ और उमरिया गांव की सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गई। बाढ़ से जनपद के कई गांव जलमग्न में भी हो गए। साथ ही बाढ़ के पानी से गांव के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर गाजियाबाद से है जहां इंदिरा गार्डन के वार्ड 11 में सेफ्टी टैंक में सफाई करने उतरे मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने से बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंची नगरपालिका की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। लाला लाजपत राय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बचाने के लिए उसमें निकला, वो भी उसमें फंस गया। फिर जब तक टैंकर वाले ने कई लोगों को जुटा लिया, काफ़ी भीड़ होने के बाद पता चला कि वो दोनों उसके अंदर अब फंस गए हैं। अब निकलें तो कैसे निकलें? तुरंत नगर पालिका को सूचना दी गई और SI अमाना साहब आए और GCB से तुरंत तोड़ के और उन सबको हमारे सारे कर्मचारी मिल के उसको निकाले और उसे लाल बहादुर हॉस्पिटल भेजा गया। कहाँ जहाँ जहाँ रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई होगी क्योंकि मृत्यु तो टैंक में ही निश्चित है। निकालने से पहले सब लोग बहुत परेशान थे, बहुत शोर सभा हुआ, दीवार तोड़ी गई और किसी तरह उसको निकाल के। बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान है। आम आदमी की जेब से जुड़े मुद्दे पर सरकार का ध्यान नहीं है। बारिश के कारण तबाह हुई फसलों ने सब्जी का भाव बढ़ा दिया। आपको बता दें कि आगरा में लोगों का कहना है कि जितनी खरीदारी पहले क्या करते थे उसकी उपेक्षा में अब वो आधी से कम खरीदारी करें। सरकार से लोगों की उम्मीद है कि त्योहारों पर महंगाई को लगाम लगाई जाए। अन्य सब्जियों पर भी बढ़ा है, किस तरीके से देखते जी? टमाटर का भाव अभी नहीं बढ़ा है, अब से पहले भी बढ़ा था, 80 और 100 रुपए तक पहुंच गया था। तो ये सीजनल है और आवक के ऊपर है, बाहर से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। आज बढ़ा है, आवक बढ़ जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे। भाव को देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पे 40-50 लेके जाते टमाटर अब 60 लेके जा रहे हैं। 10 रुपये हर बार बढ़ते ही मिलते हैं। आलू हम 30-20 भी ले जाते थे, अब 35 हो रहे हैं। मतलब 10-20 रुपये हर सब्जी पे बढ़ रहे हैं। तो आप महिला हैं, किस तरीके से रसोई को मैनेज कर रही हैं? अब मैनेज तो ऐसे ही कर रहे हैं कि खाना तो पड़ेगा, सब्जी सूखी रोटी तो नहीं खाई जाएंगी। है इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह ये है कि बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया है। जब बारिश नहीं होती तो भरपूर माल आता और भद्दा भी रहता। तो पहले क्या बिक रहा था 5-10 दिन पहले टमाटर? क्या पहले 30-40 रुपए किलो बिक रहा था, अब 50-60 रुपए बिक रहा है। लगभग डबल हो गया है। डबल कहाँ हुआ है, 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। क्योंकि ये टमाटर अब जैसे टमाटर है आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। लगातार बारिश हुई ना, बारिश की वजह से
थोड़ी मतलब सब्जियों में महंगाई हो गई है, और ये तो दो चार आइटम जैसे पालक है गोभी वगैरह ये सब उसकी। सुल्तानपुर में पुलिस लाइन के पास बहुमंजिला इमारत से एक महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि महिला ने मरने से पहले अपने हाथ पर पेन से लिखकर अपने माँ बाप से माफी मांगी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला? पुलिस लाइन में एक 12 मंजिला निर्माणाधीन वो बन रहा है बिल्डिंग, उसमें एक महिला के कूदने की बात है जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले आया गया था और वहाँ उनकी डेथ घोषित हो गई है, और डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि ये मतलब उनके पिता और परिजनों द्वारा भी बताया जा रहा है कि ये जो है विक्षिप्त उसमें थी, कुछ मानसिक अवसाद में थी, इसलिए कर रहा है ऐसा हुआ है। हाथ में सर पापा मम्मी मुझे माफ करना, डॉक्टर अमित सागंज का कुछ नाम वो है। अभी इनके पिताजी से इस संबंध में वार्ता की गई, वो उनके रिलेटिव हैं यही हॉस्पिटल में, ऐसा हो कि मतलब शिनाख्त ना हो पाए तो कोई बहुमंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले महिला ने अपने माँ बाप से माफी मांगी है। बता दें कि महिला ने मरने से पहले अपने हाथ पर पेन से लिखकर अपने माँ बाप से माफी मांगी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बहुमंजिला इमारत से कूदकर महिला ने अपनी जान दे दी। अपने हाथ पर माँ बाप से माफी भी मांगी है। खबर बदायूं से है, जहां राम गंगा नदी का लगातार बढ़े जलस्तर के कारण जनपद के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बरेली कमिश्नर बदायूं डीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण किया, एक जो मनका त्रिलोकपुर पे जो ब्रिज जो कॉजवे है वो टूटा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर गांव मनका त्रिलोकपुर कट ऑफ हो गया, उसको पहले देखा हमने। तो उसमें चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू साहब ने इन्होंने अपनी टीम लगा रखी है, तो वो आज सुचारू बेसिकली आज उतना रिपेयर हो जाएगा कि लोग आवागमन ऑन फुट कर सकें। इन द नेक्स्ट टू डेज वो भी सुचारू हो जाएगा कि लाइट व्हीकल्स भी जा सकें। खबर अलीगढ़ से है, जहां एससी एक्ट के तहत मुकदमे से परेशान परिवार ने सीएम योगी के शहर आगमन पर इच्छा मृत्यु के पोस्टर लगाकर न्याय की मांग की है। वहीं इस दौरान बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई, जिससे पुलिस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की बेटी ने बताया कि कई दिनों से भूखा रहने के कारण उसकी माँ बेहोश हो गई है। साथ ही पीड़िता की बेटी ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर औरैया से है, जहां सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नवी मंडी में यातायात चार पहिया वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात वाहनों द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाकर प्रत्येक नागरिकों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि यातायात TI समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसलिए है, जब ही कुछ दिन पहले एक जनपद में ट्रैक्टर ट्राली से पूजा करके लौट रहे थे लोग और ट्रैक्टर ट्राली पलट गई थी, 26-27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तदनंतर एक आदेश आया शासन का कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसे वाहन जो सवारी ढोने के लिए नहीं बने हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्राली है, कंटेनर है, ऐसे में लोग न बैठें, यात्रा न करें, उनका उपयोग जो है वो सामान ढोने में ही किया जाए। चंदौली में आज सुभाषपा की सावधानी रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि रैली में सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल है। जनपद में OP राजभर के आगमन पर सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में समर्थकों और पदाधिकारियों की भारी भीड़ जुटी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। खबर आगरा से है, जहां आवास विकास कलवारी में विकास कार्य न होने पर स्थानीय जनता ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी
मोरपी आवास पहुंचे ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाकों में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पर नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनता की समस्या सुन जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रयागराज में कार्तिक मास की यमुना स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि कीचड़ और दलदल में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं महिलाओं के लिए यमुना स्नान घाट पर कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके लिए श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है। संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो कार्तिक मास में यमुना स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। इस समय मैं प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के देवरिया गांव में हूं और ये मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये तस्वीर है प्राचीन सुजावन देव मंदिर की। कहा जाता है कि ये पोषाण काल की मंदिर है। हालांकि यहां पे कार्तिक मास में हजारों श्रद्धालु यमुना स्नान के लिए आते हैं और यहां पे यमुना स्नान करते हैं। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं जमीनी स्तर पर निश्चित रूप से एक सवालिया निशान को खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही घाट की व्यवस्था है और जो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है लोगों के सामने, यहाँ पर महिलाओं के कपड़ा बदलने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो श्रद्धालु हैं यमुना स्नान के लिए, हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। बाबा, यहाँ पर आप यमुना स्नान को आए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो कुछ नहीं है, देखिए कीचड़ युक्त है और यहाँ पर ना कपड़े बदलने की ज़रूरत कोई सुविधा है और पब्लिक भी नहीं आ पा रही है, तो कौन कपड़ा बदलने की जगह ही नहीं है, तो कहाँ से पब्लिक आएगी? मान लीजिए आदमी तो निकल जाता है ना आके, लेकिन लेडीज कैसे करेगी? ये व्यवस्था सबसे ज़रूरी है। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महिला हैं, आप भी आई हैं। चाची, आप कहाँ से आई हैं और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे? गोरेपुर से आए हैं। किस तरीके की व्यवस्था है? अरे कोई व्यवस्था नहीं भैया, चार साल से इसी तरह चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ किस तरह परेशानी होती है? कपड़ा बदलने की, नहाने धोने की, कीचड़ जाओ नहाओ, और बहु तो आ नहीं पाती है बेटी उटी कपड़ा बदलने की वजह से। निश्चित रूप से तस्वीरें हैं वो साफ तौर से सवालिया निशान को खड़ा करती हुई नजर आ रही है कि आखिर धर्म आस्था और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी में जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित कर मेयर, नगर आयुक्त और पार्षदों ने खतरनाक प्रजाति के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन न करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास इस प्रजाति के कुत्ते हैं उन्हें 2 महीने के भीतर टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही नियमों का पालन न करने पर दंड के साथ वैधानिक कार्यवाही के भी निर्देश जारी किए हैं। सदन की बैठक में जैसा आप जानते हो कि बहुत से नगर निगम क्षेत्र में, प्रदेश में भी, देश में भी कुछ खुखार जो नस्ल के कुत्ते हैं, जैसे कि पिटबुल है और रॉटविलर है, डोगो अर्जेंटिनो हैं, तो ऐसे बहुत से केस आए हैं जो अपने मालिकों पे ही, जिनके साथ वो दिन भर रह रहे हैं, उन पे भी आक्रामक हो गए और उनको भी उन्होंने बहुत बुरी तरह काटा है। एक की तो लखनऊ में डेथ भी हो गई थी। तो सदन में माननीय सारे पार्षदगण, महापौर मैडम का ये निर्देश हुआ है, वहाँ से ये पास हुआ है कि इन पर बैन लगाया जाए। संभल में मंडी समिति जांच टीम की लापरवाही से एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जांच टीम की लापरवाही से बाइक पिकअप गाड़ी घुस गई, जहां जो चेकिंग के नाम पर बीच सड़क पर रुकी हुई थी। वहीं दुर्घटना में घायल को पिकअप चालक अस्पताल लेकर पहुंच गया। पिकअप चालक का आरोप है कि मंडी समिति कर्मचारियों की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि दरोगा पद पर तैनात युवक ने जीवित व्यक्ति को मृत बताया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए समाधान दिवस में जा पहुंचा, जहां उसने डीएम और एसपी के सामने अपने जिंदा होने की गुहार लगाई है। अच्छा, पुलिस में शिकायत की थी आपके लड़के ने अभी, तो पुलिस ने लिख दिया है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। क्या आपकी मृत्यु, कोई पूछने आए थे पुलिस वाले आपके यहाँ? पुलिस ने लिखा है कि आपकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु की मतलब जो तुम मर चुके। मेरा बाप 80 वर्ष का टुकड़ा है, बूढ़ा है। इनने अस्पताल में जाके, क्योंकि तो आधार कार्ड में तो पेंशन बना देंगे, पेंशन बनाने के बाद इन्हें बेनामा करवा लिए। फूलचंद
उनने कोई शिकायत की थी आपके पिताजी ने? हाँ जी, शिकायत की थी सीओ साहब के यहाँ। हमने वैसे तो प्लाट हमारे पास बने रखवाया था, तो इनने शिकायत कर रहे जी, और शिकायत करने के बाद जो तो हम रजिस्ट्री कर दी। अब उनसे क्या हम लड़ाई लेंगे? रजिस्ट्री करने के बाद सब जी उल्टे सीधे काम कर रहे। हमें लग रहा कि इन्हीं की शिकायत करिए, मतलब खबर हरदोई से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक को परीक्षा ड्यूटी से लौट रहे उपजिलाधिकारी ने इलाज के लिए सीएससी संडीला में भर्ती कराया। वहीं मरीज की हालत अब खतरे से बाहर चल रही है। उपजिलाधिकारी के इस कदम से आम जनता को संदेश दिया है कि घायल को अस्पताल पहुंचाना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। स्थानीय निवासी उपजिलाधिकारी की खूब सराहना भी कर रहे हैं। देवरिया में 8 साल की बच्ची के साथ उसके सगे मौसा ने रेप किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता बच्ची के माता पिता बहुत गरीब है और वे मजदूरी कर रहे अपना पेट पालते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां शिव शक्ति जागरण समिति ने मां भगवती के भव्य जागरण कार्यक्रम का 1008 दीपों की आरती और 56 भोग लगाकर इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अन्य जिलों से आए कलाकारों की नृत्य कला प्रस्तुति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैनपुरी के तिलियावनी गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्कूल में एक बच्चा बेहोश हो गया था, वहीं बच्चा 3 घंटे तक धूप में ही पड़ा रहा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चे की सुध नहीं ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने शिक्षा अधिकारी से मामले की शिकायत की है। मामला भी कुछ देर पहले मेरे संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी वेबर को जांच के लिए निर्देशित किया है। अब वो मुझे पूरी रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगी। मेरा भाई अंकुल कुमार सुबह 9 बजे स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वो प्रेयर में खड़ा हुआ, उसने प्रेयर की, प्रेयर में अचानक उसको बेहोशी आ गई या कुछ हो गया, जिस कारण वो गिर पड़ा, तो वो वहीं पर पड़ा रहा 12 बजे तक। हमने तो स्कूल पढ़ाया, मेरे साथ मैंने तो सब स्कूल पढ़ाया, मेरे कुछ नहीं इसे आता। अब पता नहीं जो लोग कह रहे हैं प्रार्थना में इसकी कुछ डाउन था जी, तो ठीक इनने मेरे पास खबर नहीं पढ़ाई जी। 9 बजे को स्कूल खुलो जी, 1, 2, 3, 4, 7, 12 बज के 1 मिनट पे इनने मेरे ढंगा एक लड़का पढ़ाओ जी। मैं ऐसे ही बैठे तो ऐसे ही जी। मैं तुरंत चले आई, मैंने इनसे कोई ये आधी बात नहीं कही, मैंने अपने तुरंत अपने बच्चा को उठाओ ऐसे ही करके ऐसे छपकाओ नहीं ललका हुई जी। और मास्टर देखो ऐसे साहब ऐसे खड़े थे, आस पास घेरा लगाए। खबर संभल से, जहां अवैध रूप से चल रहे खनन की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त है, तो वहीं खनन अधिकारी सोमेंद्र नाथ तिवारी ने नौरौदा के जंगल में छापेमारी कर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली और खनन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। खनन अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही के साथ रॉयल्टी भी वसूली जाएगी। देवरिया में नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मदनपुर नगर पंचायत से भाजपा की दावेदारी कर रहे चंद्रशेखर कश्यप ने मीडिया से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा टिकट देगी, और साथ ही कहा कि जनता मुझे प्यार करती है, क्षेत्र में जो भी अधूरे कार्य है उसे मैं पूरा करूंगा। पुत्र श्री राम कृपाल कश्यप, ग्राम मदनपुर गोला बाजार का निवासी हूँ। पूर्व में मैं पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान पद का उम्मीदवार था, और पुनः मैं नगर पंचायत बनने पर क्षेत्रीय विधायक श्री जयप्रकाश निषाद जी का कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूरी दमदारी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। खबर अमेठी से है, जहां राजा मऊ कंपोजिट विद्यालय के प्रबंधक और अन्य कर्मचारी हाईटेंशन लाइन को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने बताया कि बारिश के समय में विद्यालय परिसर में करंट उतरने का खतरा बना रहता है। प्रबंधक ने इसकी शिकायत पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी, डीएम और बिजली विभाग के अधिकारियों से की, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सर जी, हमारे यहाँ हाई टेंशन का तार गया हुआ है और इसमें आए दिन चिंगारी वगैरह निकलती रहती है,
बच्चे हमारे डर जाते हैं, बड़ी समस्या होती है, बच्चों को समझा बुझा करके हटाना पड़ता है। तो इससे तमाम दिक्कतें आती हैं। हमने कई अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की, माननीय SDO महोदय से भी शिकायत की, और इधर हमारे जो दखनवारा उपकेंद्र है नज़दीक में वहाँ जाकर कंप्लेन लिखाते हैं। जेई साहब ने कहा है कि इसका एस्टीमेट बनवा दिया जाएगा, तो हमने कहा एस्टीमेट बनवा दिया जाए, लेकिन कोई एस्टीमेट अभी तक बनवाया नहीं। खबर संभल से है, जहां हिंदू जागृति मंच ने वार्षिक पुस्तक स्पर्शी के दूसरे संस्करण के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश सिंगल, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि साहित्यकार अपने निष्पक्ष विचार अपनी पत्रिका के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहब।